अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़िब खानज़ादा। आला अदलिया ने दो हफ्तों के अंदर अपने एक जज को बरतरफ करके उनसे जस्टिस का टाइटल वापस ले लिया है, जबकि आज एक और जज की बरतरफी को कलदम करार देकर उन्हें जस्टिस का टाइटल वापस दे दिया है। कुछ दिन पहले रिटायर्ड जज मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देकर उनसे रिटायरमेंट के बाद की मराहत और जस्टिस का टाइटल वापस लेने की सिफारिश की गई, तो आज दूसरे साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ करने की कार्रवाई को गलतम करार देकर उन्हें रिटायर्ड जज के तौर पर तमाम मराहत का हकदार करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, वैसे तो एक जज की बरतरफी को गलतम करार देने का फैसला है, लेकिन इस केस और इस फैसले से गुज़िश्ता कुछ बरसों में पाकिस्तान की सियासत और अदलिया में इस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत मजीद वाजे हो गई है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को कलदम करार दे दिया है, साथ ही उन्हें एक रिटायर्ड जज के तौर पर तमाम मराहत का हकदार करार दे दिया है। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ करने की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सदर आरिफ अलवी को पेश की गई राय और उसके बाद तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना और वजीर आजम इमरान खान की एडवाइस पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को कलदम करार दे दिया है। रमा साल 23 जनवरी को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केस के किरदारों ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अनवर कासी के तहरीरी जवाबात के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया है। जस्टिस रिटायर शौकत अजीज सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 को उन बयानात से मुतालिक मिसकंडक्ट पर ओहदे से निकाला गया था जो उन्होंने अदलिया पर इस्टैब्लिशमेंट के दबाव से मुतालिक दिए थे, और इस्टैब्लिशमेंट के दबाव का ताल्लुक नवाज शरीफ के केसेस से मुतालिक था जो 2016 में पैनामा पेपर्स पर मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ शुरू किए गए थे। और बाद में तफसीलात भी सामने आ गई थी कि नवाज शरीफ को सजा दिलाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए GIT को मैनेज किया गया, और इस्टैब्लिशमेंट ने अपना और सुप्रीम कोर्ट का असर इस्तेमाल करके तहत एहतसाब अदालतों को मैनेज किया। और जब नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत से मनपसंद फैसले आने वाले थे और जिनसे मुतालिक अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने वाली थी, तो फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की गई, और उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कासी थे और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे, मगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का दावा रहा कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। और फिर 21 जुलाई यानी इलेक्शन से 4 दिन पहले 2018 में जनरल फैज हमीद से मुलाकात के 4 दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने बाढ़ से खिताब करते हुए दावा कर दिया कि ISI ने मेरे चीफ जस्टिस से राबता करके कहा है कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी को इलेक्शन से पहले बाहर आने नहीं देना और अपीलों के केस में जो बेंच बने उसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को शामिल नहीं करना। मैं अल्लाह को गवाह करके, मैं आपको गवाह करके, अपनी बार अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूँ। आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बयानात की तहकीकात की जाती, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ जिस जज ने रिपोर्ट तैयार की थी वो जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, वही आसिफ सईद खोसा जिन्होंने नवाज शरीफ को ट्रायल के बगैर ही ना अहल करार दे दिया था। फिर ओहदे से हटाए जाने के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तस्लीम किया कि जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ के केस से मुतालिक उनसे राबता किया था और पूछा था कि वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि मेरिट पर केस देखेंगे, जिस पर फैज हमीद ने जवाब दिया था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस इल्ज़ाम को जनरल फैज हमीद ने ज़राए से मुस्तरद कर दिया था। जैसे शौकत सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जहाँ 12 जून 2022 को आखिरी समाप्त हुई थी और इसके बाद उनका केस मुकर्रर ही नहीं किया गया। लेकिन फिर जस्टिस काजी फाइदीसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और गुज़िश्ता साल दिसंबर में दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइदीसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत खान ने समाअतें की, जिसके बाद अदालत ने आज फैसला जो महफूज किया था उसे सुना दिया है। यह फैसला खुद
चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने तहरीर किया है और शुरू में बताया है कि कैसे तेजी से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुकदमा चलाया और फिर फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने बिलाशुबा जनरल फैज हमीद पर जो उस वक्त आईएसआई में खिदमत अंजाम दे रहे थे और आईएसआई में उनके चंद मातहतों पर इंतहाई संगीन इल्जाम आयद किए थे और उन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट और इसके दायरे अख्तियार में आने वाली एहतसाब अदालत में जेरे समात बाज हसास मुकदमात पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया था, लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अपने इल्जाम साबित करने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें उन लोगों के सामने खड़ा किया गया जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाया था। जब हमने इस कोताही को नोट किया तो हमने उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए जिनके खिलाफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्जाम लगाए थे और उन्हें एतराफ़ या तरदीद का मौका फराहम किया था। उन सब ने अपने मुलविस होने की तरदीद की है, लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो इस मामले की इंक्वायरी करे और इस बात का तायुन करे कि कौन सच कह रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के अल्फाज और उनके जवाब के मंदरजात को कोई अहमियत नहीं दी और ये फर्ज कर लिया कि वो झूठे थे और ये मफरूजा बनाकर ये नतीजा अखज कर लिया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी मिसकंडक्ट के मुजरिम थे। इस तरह के अमल को मुनसिफाना या ड्यू प्रोसेस के तकाजों के मुताबिक करार देना मुश्किल होगा। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अपने इल्जाम की सच्चाई साबित करने का मौका नहीं दिया गया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर वाजिब था, क्योंकि यही इल्जाम जस्टिस सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की बुनियाद बने। आइन के आर्टिकल 10A में दर्ज बुनियादी हकूक में मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल का हक शामिल है और जजेस समेत तमाम शहरियों के साथ इसके मुताबिक निपटा जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब कार्रवाई के बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। आइन का आर्टिकल 209 ये शर्त नहीं लगाता कि जज के मिसकंडक्ट का तायुन करते हुए उसे बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया जाएगा और ना ही ये आर्टिकल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बुनियादी हकूक के खिलाफ काम करने की इजाजत देता है। तमाम सबका केसेस में जब जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी जिसके नतीजे में उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था तो ऐसा शवाहिद की रिकॉर्डिंग के बाद किया गया था। जस्टिस इखलाक हुसैन के केस में उनको ओहदे से हटाने की राय देने से पहले शवाहिद रिकॉर्ड किए गए। जस्टिस शौकत अली के केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मुरतब करने और उनकी बरतरफी की सिफारिश करने से पहले गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए और मज़ाहिर अली नकवी के हालिया केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड की जिन्होंने मुतादी दस्तावेजात पेश की। गवाहों को जिरह करने का मौका दिया गया और तभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह पता चला कि मज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हटा दिया जाना चाहिए था। फैसले के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी रोक दी थी, लेकिन किसी मजबूरी या माकूल वजह से ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मुनसिफाना ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बुनियादी हक की नफी करते हुए ऐसा किया गया था। इंक्वायरी के बगैर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की सजा नाफिज नहीं हो सकती। इंक्वायरी ना करवाने के नतीजे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अपने इल्जाम साबित करने का मौका फराहम ना करके और शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मुनसिफाना ट्रायल हुआ था और ये कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए थे। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने संगीन इल्जाम लगाए थे जिसमें यह इल्जाम भी शामिल था कि उस वक्त के आईएसआई के डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद और उनके कुछ मातहत अफराद चाहते थे कि फैजाबाद धरना, बोल मीडिया ग्रुप, एग्जैक्ट और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज से मुतालिक मुकदमात का फैसला एक खास अंदाज में किया जाए और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तहकीकात करने के बाद यह तय किया होता कि जस्टिस सिद्दीकी ने झूठे इल्जाम लगाए हैं तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होते, लेकिन मामले की तहकीकात किए बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए थी। शो कॉज नोटिस के अपने जवाब में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जो कहा था वो दुरुस्त था और अपने जवाब में ताकतवर लोगों के खिलाफ मजीद इल्जाम लगाए थे। इन हालात में कम अज कम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को हल्फ पर गवाही देने के लिए कहा जाना चाहिए था और अपने इल्जाम को साबित करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगाए गए थे उन्हें उनसे जिरह करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए था और उन्हें गवाही देने और इल्जाम की तरदीद करने का मौका भी फराहम किया जाना चाहिए था। आइन का आर्टिकल 210 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी भी शख्स की हाजिरी या किसी दस्तावेज की दरियाफ्त या पेश करने का हुक्म देने का इख्तियार देता है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। आइन के आर्टिकल 19 में कहा गया है कि कानून की तरफ से आयद किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे रहते हुए हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी का हक हासिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक
किसी जज को बार एसोसिएशन से खिताब करने से मना नहीं करता, यहां तक कि अवामी इज्तिमा से खिताब पर भी मना नहीं करता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इल्जामात की सदाकत का पता लगाए बगैर और तहकीकात किए बगैर यह तय किया था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी सिर्फ इस वजह से बद इंतजामी के मुजरिम थे कि वो मामले को अवामी सतह पर लेकर आए थे। अगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो इल्जाम लगाया था वो सच था तो उन्हें आला सतह पर होने वाले गलत कामों को उजागर करने पर सजा देना गैर मुनसिफाना होगा, लेकिन अगर उन्होंने जो इल्जाम लगाया था वो झूठा पाया गया तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे। लगाए गए इल्जाम संगीन थे और उनकी सदाकत का पता लगाया जाना चाहिए था, जिसकी आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान ने भी वादे तौर पर दरख्वास्त की थी। जब तक कोई कानून किसी फर्द को कोई चीज अफशा करने से नहीं रोकता तब तक सच बोलने को कभी भी काबिले सजा नहीं बनाया जाता। फैसले के मुताबिक, जैसा कि पहले बयान किया गया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने यह नहीं बताया कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी किस मखसूस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब थे, ऐसा लगता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हैरान रह गई, क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने संगीन इल्जामात लगाए थे और अवामी सतह पर लगाए थे। इस बात को सराहे बगैर कि ये इल्जामात मजमूई तौर पर आईएसआई के हवाले से नहीं थे बल्कि उसके रैंक के कुछ अफसरान के खिलाफ थे। फैसले के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 24 जुलाई 2018 के अपने खत में इल्जामात की सदाकत का तायुन करना चाहा था, लेकिन 10 जून 2021 को वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बयान दायर किया गया जिसमें जोर देकर कहा गया कि रियासत के कुछ अफसरान के बारे में मखसूस इल्जाम पटिशन में लगाए गए थे और अदालत में पढ़े गए थे, वो बेबुनियाद और गुमराहकुन है और इस वजह से उनकी तर्दीद की जाती है। और ये मस्कूरा बयान अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की तरफ से दायर किया गया था जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के खत की तर्दीद की गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये कैसे पता चला कि इल्जामात बेबुनियाद थे। मिस्टर अनवर मंसूर खान जो उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने अपने ही तर्ज अमल से अपनी साख को मजरूह किया था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी बजाहिर अटॉर्नी जनरल के कानून की गलत समझबूझ से गुमराह हुई। अटॉर्नी जनरल का नुक्ता नजर जिसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कबूल किया था वो आइन के मुताबिक नहीं था। फैसले के मुताबिक ड्यू प्रोसेस के बुनियादी हक की पासदारी करने में नाकामी के नतीजे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया गया और कयास राय के मुताबिक ये फर्ज किया गया कि वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। ड्यू प्रोसेस की जरूरियात को नजरअंदाज करते हुए इंफरादी आजादी को रोक दिया गया और सच्चाई को दबा दिया गया। बदकिस्मती से इन दरख्वास्तों की समाअत और फैसला करने में होने वाली ताखीर का मतलब यह था कि इस दौरानिए में जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की उम्र 62 साल हो गई, जिस उम्र में हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है, इसलिए जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को जज के ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक मस्कूरा वजूहात के पेश नज़र सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की शौकत अली सिद्दीकी से मुतालिक 11 अक्टूबर 2018 की राय जो सदर मुमलिकत के सामने रखी गई थी और फिर इस हवाले से वजीर आजम और काबीना अराकीन के एडवाइस पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे मुस्तरद किया जाता है। नतीजतन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर समझा जाएगा और वो एक रिटायर जज को मिलने वाले तमाम फवाइद और मराहत हासिल करने के हकदार होंगे। हमने इस मामले पर बात करने के लिए साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद से राबता किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो प्रोग्राम में आकर अपना जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त खुद जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है आपने अपनी लड़ाई लड़ी, 62 साल की उम्र को आप पहुंच गए थे, जो कि आज फैसला बताता है, जिसकी वजह से आप वापस तो जज की हैसियत से अपना ओहदा नहीं संभाल सकते, मगर एक रिटायर्ड जज का जो लकब है वो आपको मिलेगा, मराहत आपको मिलेंगी। मुतमईन हैं फैसले से? जी शाहज़ेब खान दादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर तमाम लोगों का जो इस सारे अरसे के दौरान मेरे आवाज़ बनते रहे और एक हक और सच की बात करते रहे, वो कुलाब बरादरी और तमाम वो लोग जिन्होंने मुझे इस अरसे में हौसला दिया, सपोर्ट की, और मेरे अपने वकील जनाब हामिद खान साहब ने जिस तरीके से मेरा केस लड़ा, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, और जाहिर है अपने फाजिल चीफ जस्टिस साहब का और बाकी चारों जो बेंच के अराकीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस फैसले से इस लिहाज से तो बिल्कुल मुतमईन हूँ जी कि जाहिर है कि मेरी विंडिकेशन का सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा इशू जो था वो विंडिकेशन का था, बाकी मराहत वगैरह ये वो ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। जाहिर है मैं ये कहूँ कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो ये भी गलत होगा, वो एक सेकेंडरी चीज़ थी, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि आज अदालत उज़्मा ने ये करार दे दिया कि मेरे खिलाफ जो रिमूवल की कार्रवाई की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, जो हेडेड बाय मियां साकिब निसार साहब, वो बदनीयती पर मबनी थी।
और मेरे लिए आज ये फतह का इस लिहाज से दिन है कि उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक तालमेल था, जो उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनके कॉमन ऑब्जेक्ट्स थे, उन सब के हवाले से जब मैंने एक आवाज़ बुलंद की, उस वक्त किसी ने उसको मेरी इस तकाजे के बावजूद के जी इन इल्ज़ाम की आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसका प्रोब कर लें, इसके ऊपर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें, नहीं हुआ। मेरे वो अभी भी ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक मामला तो हल हो गया कि मुझे विंडिकेशन इस लिहाज से तो ज़रूर हो गई कि मेरे खिलाफ कार्रवाई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इल्ज़ामात की तहकीकात भी होनी चाहिए। और वो लोग जो इस सारे अमल में मुलव्वस थे, अगर मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। वैसे अगर इल्जामात सही साबित करने के लिए आपको सबूत देने होंगे, आपने इल्जामात लगाए हैं, आज के फैसले में भी कहा गया कि आपसे बजाय इसके कि आपसे सबूत मांगे जाते, जिरह होती, मामला आगे बढ़ाया जाता, आपको ड्यू प्रोसेस दिए बगैर आप ही को हटा दिया गया, आप ही को बरतरफ कर दिया गया, आप आज भी तैयार हैं फिर इस सबका सामना करने के लिए जो बात की गई और सबूत सामने? तो देखिए राजीव साहब, मैंने ना 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस साहब को, मियाँ साकिब निसार साहब को एक लेटर लिखा था कि जनाब के ये मैंने जो तकरीर की है, इस पर जो मैंने इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको उसके ऊपर एक रद्द अमल आया है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ किसी सेटिंग जज या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना लिया हो, आप कमीशन बना दें, वो मेरे इल्जामात की तहकीकात करें। अगर मैं झूठा साबित होता हूँ तो भले मुझे डी चौक में फांसी दे दें, लेकिन अगर मेरे इल्जामात जो हैं वो सच साबित होते हैं तो सिर्फ ये बताएं कि आप मेन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। लेकिन उस लेटर को किसी जगह मैंशन भी नहीं किया गया। तो मैं तो आज भी तैयार हूँ, मुझे तो देखें व्हाई शुड आई हेजिटेट, मैंने तो इतना सफ़र किया है, मेरी फैमिली ने सफ़र किया है, हम बहुत एक क्राइसिस के दौर से गुजरे हैं, हमारे हर तरह की मुश्किलात हमने सही हैं, तो मैं तो अपने मौके पे आज भी खड़ा हूँ। वैसे मगर जो ज़राए के ज़रिए जनरल फैज़ हमीद अपना मौक़िफ़ देते हैं वो ये कि एक मुलाकात को वो कंफर्म करते कि हुई और आपकी रिहाइश गाह पर हुई, और वो इंक्रोचमेंट के हवाले से थी कि आपने फैसला दिया था ब्रिगेडियर रामे गालिबन आपसे मिले, वो मुलाकात अच्छी नहीं गई, फिर जनरल फैज़ हमीद आपसे मिले, वो कहते हैं कि कोई सियासत पर और कोई बात नहीं जो ज़राए के ज़रिए खबर देते हैं, एक मुलाकात की तस्दीक करते हैं, आपका क्या मौका? लेकिन शाहदेव खान साहब, ये ज़राए वाली बात तो जो है ना वो तो ख़त्म हो गई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मौक़िफ़ ये दे दिया जी कि मेरी तो सिरे से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, जैसे हम कहते हैं मैं तो उसको जानता ही नहीं, तो उन्होंने तो ये कह दिया, इसलिए ज़राए की खबर जो है ना वो तो पीछे चली गई। वो उन्होंने तो मैं तो ये एक खुली सी बात करता हूँ कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी फोरम जो है वो इसके ऊपर आज भी गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि वो इन इल्ज़ामात की वेरासिटी को जानने के लिए जुडिशल कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर दें, मैं तो तैयार हूँ, आज भी तैयार। सब और आपकी एक मुलाकात हुई या दो मुलाकातें हुई थी उनसे 2018 में? फैज़ हमीद साहब से मेरी दो मुलाकातें हुई थी। और दोनों आपकी रिहाइशगाह पर? दोनों मेरे घर पे जी, मेरी रिहाइश। दोनों उनकी दरख्वास्त पर हुई जी? दोनों उनकी दरख्वास्त। और ये एक जून में 2018 में हुई, और क्या एक नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से पहले हुई? जी जी ऐसे ही है। और उनको उनकी सजा, जो अहम बात ये है कि उनको जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चल रहा था उसके फैसले का उनको चार पहले से पता था कि ये फैसला होगा। तो मैंने कहा, मैंने उनसे पूछा था जी कि हाउ यू आर सो सर्टन, कहते नहीं सर वो तो तय है कि कन्विक्शन होनी होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर आप बातचीत चल रही है, ये उन्होंने कहा था। यानी अकाउंटेबिलिटी को जब जून में मुलाकात होती है और फिर जो जुलाई में, उन दोनों में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सजा तो होने वाली है, मगर जब आप क्योंकि हाई कोर्ट में थे, अपील आपके पास, उस हवाले से वो बात कर रहे थे। उस समय उनका ये था कि जी के हमारी जो टॉप अर्शलान है वो ये चाहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस बेंच के पास एक केस जाए जिसको हेड, यानी कि मैं सीनियर प्यूनी जज के तौर पर मैं हेड करूं। तो उनका ये ख्याल था जी कि हमारी जो टॉप अर्शलान है वो ये समझती है कि अगर
उस बेंच से फैसला आए जिसको हेड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कर रहे हो, तो हमारी इन प्रोसीडिंग्स को थोड़ी क्रेडेंस अटैच हो जाएगी, ये उनकी ख्वाहिश थी। मगर आपके आने से कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडेंस आएगी? बस वो शायद उनका ये ख्याल था कि एक अपराइट जज के तौर पर मशहूर हैं, क्रिमिनल साइड के काम को ये समझते हैं और बाकी जाहिर है इनको काम का पता है, तो शायद इस वजह से उनका ये ख्याल होगा। और मगर इसमें अहम बात यह है कि ज़ाहिर जो मॉनिटरिंग जज थे वो, जैसे एजाज़ुल अहसन साहब थे जो खुद मुस्ताफ़ी होकर चले गए हैं, वो इस सारे के सारे मामले के मॉनिटरिंग जज थे, मगर जनरल फैज़ हमीद आपको आके बता रहे थे कि सिर्फ अब यह तय होना है कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सज़ा कितनी दी जानी है। सज़ा तो दी जाएगी और मामला आपके पास, हम चाहते हैं कि आपके सामने लगवाएं जब हाईकोर्ट में अपील। ये का सजा तो तय हो गया जी, देनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर सिर्फ बातचीत है, और हम ये चाह रहे हैं कि जब ये अपील्स आए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त अगर ये आपके पास आए तो आपका क्या ख्याल होगा, जो आपने आगे अपने उस इंट्रो में बताया है। वैसे वो फिर तारीखी जुमला जो है, जो आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा, उसकी नौबत एग्जैक्टली किस वक्त आई और कितनी वक्त की बात के बाद, जब दो मुलाकातें होने, एक जून में हो गई, आपने उस वक्त भी अगर उन्होंने मना किया, फिर भी वो जुलाई में कैसे आके मिले और किस बुनियाद पर आपके आके आपसे मिले? जब उन्होंने ये बात की, जब उन्होंने ये बात की जी, तो मैंने उनसे कहा जी कि आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं। वो नॉर्मली पूछने लगे जी कि ये अमूमी तौर पर क्या प्रोसीजर होता है, तो मैंने उनको कहा कि आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि पीएम के हवाले से, नवाज शरीफ और मरियम के हवाले से, तो मैंने कहा जी उसका तो अभी फैसला ही नहीं हुआ, तो कहते नहीं वो तो तय है जी, सजा तो होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर वो बात होगी। तो मैंने कहा हाउ यू आर सो सर्टन, कहते नहीं जी वो सर आपको पता है हम सारा इसके हवाले से हम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो कहने लगे सर ये अपील्स में क्या प्रोसीजर होता है, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पता ही होगा जब आप इतने लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हैं, तो वो कहने लगे जी के बस सर टू बी ऑनेस्ट आप ये बताएं कि अगर मामला आपके पास आता है तो आप क्या क्या रहेंगे। तो उस पर फिर मैंने उनको कहा था, मैंने कहा देखें अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने अंदर इतनी करेज पाता हूं कि अगर मैं ये समझूं कि केस में एविडेंस स्ट्रॉन्ग है और सजा कम हुई है तो मैं अनाउंसमेंट का नोटिस दे दूं, लेकिन अगर बात अदरवाइज है तो किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत खराब नहीं करूंगा, मैं तो मेरिट पे ही फैसला दूंगा। तो इस पर उन्होंने कहा था सर इस तरह तो हमारी दो साल की मेहनत जाया चली जाएगी। और इसके बाद भी मुलाकात का माहौल अच्छा रहा, खराब हुआ, क्या हुआ? मैंने थोड़ा ऑब्वियसली टेंस हुआ माहौल, जाहिर है दैट मीटिंग नॉट एंडेड ऑन ए गुड नोट जी। और अच्छे नोट पर नहीं ख़त्म हुई, मगर जनरल फैज़ हमीद बता रहे थे कि वो जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आपसे और इतने बड़े दावे कर रहे हैं, तो मैंडेट कहाँ से लेके आए हैं, आर्मी चीफ से लेके आए हैं, क्योंकि उस वक्त वो गालिबन डी जी सी थे, तो डी जी आई एस आई से लेके आए, किससे मैंडेट लाए? देखिए मैंने खैर ये तो नहीं पूछा, लेकिन उस वक्त की तो ये एक हर एक को एक बात पता है कि उस वक्त के डीजीआई तो वाज फिगरिंग नो बेयर, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं मैं किसी जगह नजर आई, और शायद अभी किसी को पता भी ना हो कि उस वक्त कौन था डीजीआई, जो कुछ भी थे उस वक्त डीजीसी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इनके डायरेक्ट इनके दरम्यान। सेकेंडली जब दूसरी दफा ये मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी कि मैं आपके पास आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं, मेरे बॉस ने मुझे ये कहा है कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज जो है वो डील नहीं होता, और मैंने दो तीन दिन पहले आपसे आना आपके पास आना था लेकिन सडनली मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि एमक्यूएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनको स्क्रू टाइट करने गया था। किस किस्म की कोई गड़बड़ हो रही थी उस वक्त, कुछ क्या एमकेएम वाले कर रहे थे? 2018 के इलेक्शन में कुछ चल रही होगी कोई बात, कोई आगे पीछे या कोई जो भी अरेंजमेंट थे उसके हवाले से कुछ लोग एहतजाज कर रहे होंगे या कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे या कोई और रीजंस होंगी, मुझे उन रीजंस का नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने ये कलमात कहे थे।
बड़ी दिलचस्प बात है आप जा रहे, क्योंकि जो उस वक्त के डीजी आईएसआई थे जनरल मुख्तार, उन पर तो कभी खुद इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना उस वक्त की अपोजिशन ने लगाया, ना हुकूमत ने लगाया, मगर जनरल बाजवा ज़रूर अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में तस्लीम कर चुके हैं कि जो साकिब निसार साहब की अदलिया थी उसके साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करके और जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए वो मैनेज करते थे, वो एक इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं। मगर अब मसला है कि आप एक इंटरव्यू में आपने बताया कि आपके और जनरल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के मामलात अच्छे नहीं थे, और आपके और आपके अपने चीफ जस्टिस के, हालांकि आप सीनियर तरीन जज थे, उनके भी मामलात ख़राब हो गए थे, आपको बेंचेस से भी उससे पहले हटाया जा रहा था, फिर भी जनरल फैज़ हमीद आपसे मिलने आए और आपसे कह रहे थे कि आपको जल्दी चीफ जस्टिस भी बनवा सकते हैं, आपको केसेस भी ये वाले दिलवाना चाहते थे वो, जो कि बड़े सेंसिटिव नोयत के थे। शाहज़ेब साहब असल में उन्होंने खुद जब उन्होंने मुझे ये बात कही ना जी कि आपके हवाले से हमारी बड़ी मुस्बत राय है, दिस एंड दैट, जो एक तरीक़ाकार होता है और एक मुल्क के मफाद का जो एक चूरन बेचा जाता है उसके हवाले से बात की जाती है, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था जी कि मैंने कहा कि जी कि आप ये मुझे बताएं कि अगर आपका ये ख्याल मेरे बारे में, तो आपने मुझे बेंचेस से क्यों डिवीजन बेंच से क्यों हटवाया, तो उस पर वो कहने लगे सर बात ये है कि हमारी जो नैब की लीगल टीम थी या बाकी जो हमारा सारा इस मामले को डील कर रहे थे, उन लोगों की ये एक मुत्तफिका राय थी जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज हैं, मेरे हवाले से उन्होंने कहा कि जो फौजदारी काम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो समवट प्रो डिफेंस हैं, इसलिए मेक श्योर के कोई भी पानामा से रिलेटेड कोई भी मैटर उनकी कोर्ट में ना लैंड करे। तो उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने आपके चीफ जस्टिस को इनडायरेक्टली अप्रोच किया और फिर वी मेड श्योर के जी के आप की जो है ना आप डीबी से हट जाएं। मेरे ना हमारा एक रोस्टर जारी होता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड, मेरा रोस्टर जारी था पूरे ऑलमोस्ट साल का, मैं सीनियर प्यूनी जज था, सीनियर प्यूनी जज इज चीफ जस्टिस इन मेकिंग, और जाहिर है मैं सारे क्रिमिनल केसेस सुन रहा था, नैब के केसेस मैं सुन रहा था, मर्डर रेफरेंसेस मैं सुन रहा था, बाकी सारे जो नए जजेस थे वो मेरे साथ वहाँ पे काम करते थे, तो ऑल ऑफ ए सडन ये मुझे हटा दिया गया विदाउट एनी काज और रीज़न, तो जो जाहिर है मेरे लिए भी एक तशवीश की बात थी कि भाई ये दिस इज ए काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू ए जज। और उसके बाद फिर मैंने जब प्रोब किया था मुझे ये पता चला और मेरे चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि नहीं वो ऊपर का वालों का हुक्म था, दिस एंड दैट, ही वाज अनएबल टू गिव एनी प्लॉजिबल रीजन। उसके नतीजे में जाहिर है मेरे और उनके दरमियान एक तलखी वाली भी सूरत पैदा हुई, मैंने कहा जी कि मुझे आप वो कहने लगे जी आप बीमार हैं, इसलिए मैंने कहा अगर मैं बीमार हूं तो मुझे आप सिंगल बेंच के केसेस भी ना दें ना, आपने तो सिर्फ मुझे डिवीजन बेंच से हटाया है, बीमार बंदा सिंगल बेंच के केसेस कैसे कर सकता है, विच वॉज ऑब्वियसली ए बिग लाई कि मैं कि मैं बीमार था, तो इस तरह की चीजें जी उस वक्त वो चल रही थी। ये बड़ी, तो बड़ी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जनरल फैज़ हमीद ने कोई ढकी छुपी नहीं रखी, जब आपने कहा आपने मुझे क्यों हटाया बेंचेस से, तो उन्होंने माना कि हमने हटवाया क्योंकि आपके बारे में तासुर था। जी जी, वो ढकी छुपी नहीं रखी, देखे ना इस बात से आप अंदाजा लगा लेना कि वो मतलब बड़े फ्रेंकली और बड़ी मैं कहता हूँ बड़े एक एरोगेंस के साथ वो कह रहे जी मैंने दो दिन पहले आपके पास आना था लेकिन मैं मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि एमकेएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, और मतलब ही वॉज ट्राइंग टू गिव एन इम्प्रेशन जैसे सब पूरा मुल्क जो है ना उनके कंधों के ऊपर खड़ा है और वो सब कुछ करने के ऊपर कादर हैं और उनको सब कुछ करने की इजाजत है। इजाज़त की हद तक तो मेरे ख्याल है वो सही तासुर ही दे रहे थे जो उस जमाने में मामलात हुए, मगर आप एक तो जनरल फैज़ हमीद वॉज क्वाइट ओपन अबाउट इट, उन्होंने आपको कहा, मगर जब आपने अपने चीफ जस्टिस को कन्फ्रंट किया तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी कहा कि मुझे ऊपर से प्रेशर है, तो ऊपर में फौज की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे अनवर कासी साहब, चीफ जस्टिस साहब आए को वो जो हमारी जुडिशियल हायरार्की है उसकी बात कर रहे थे, यानी वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बात कर रहे थे। जी जी, कि मुझे उन पर दबाव है, नहीं जनरल फैज़ हमीद मान रहे हैं, अनवर कासी साहब भी मान रहे हैं, मगर कहने ऊपर से दबाव है,
ये पूरा का पूरा ट्राइंगल उस वक्त ऑपरेट कर रहा था। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, देखिए उस वक्त जो जुडिशरी का और उस वक्त जो आर्मी वालों का आपस में एक बंधन था, वो तो कोई ढका छुपा था नहीं, वो तो कबूल है कबूल है कबूल है बार बार हो रहा था सब। तो फिर इस सब में जब आपको ओहदे से जहर फिर आप बरतरफ किया गया, सारे मामला हुए, आप तकरीर की स्टेज तक क्यों चले गए? आप तो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, करीब था आपका मामला, आपको तो इनफैक्ट जनरल फैज हमीद ने ये ऑफर किया कि आपको जल्दी चीफ जस्टिस बनवा देंगे, वो अनवर कासी साहब गालिबन छुट्टियों पर चले जाएंगे, ये बात भी हुई थी? जी जी, ये उन्होंने कहा, मैंने तो 26 नवंबर 2018 को मैंने बनना था, उन्होंने कहा जी हम आपको सितंबर में बना देते हैं। देखिए उसके लिए मुझे अपना जमीर गिरवी रखना पड़ता था जो मैं नहीं रख सकता था। वो तो यही कहते होते हैं कि सर जो हमारे तो एक दो मैटर होते हैं वो भी नेशनल इंटरेस्ट के या सिक्योरिटी के या सालमियत के, लेकिन बात यह है कि जब आप अपना जमीर या कलम एस्टेब्लिशमेंट वालों के पास गिरवी रख देंगे तो आप फिर इंसाफ कैसे कर सकेंगे? और ये जब मामला हुआ आपको क्या नजर आ रहा था कि आपको चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया जाएगा, एक रेफरेंस आएगा आपको हटा दिया जाएगा, इसलिए आपने फ्रस्ट्रेशन में आके तकरीर की थी? नहीं नहीं, मैंने तो देखिए मैंने तो इसलिए ये तकरीर की, वो तो एक अलहदा से स्टोरी है कि मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा, वो मुझे कतन कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं थी, ना ही मैं किसी किस्म के डिप्रेशन में था। तमाम कोशिशें करके देख ली थी मैंने, अपने बहुत से ऑर्डर्स के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने ऑर्डर्स भिजवाए कि आपके लोग इन मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, फिर मैंने अपने चीफ जस्टिस को बताया, फिर मैंने 3 दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टाइम की गुजारिश की कि जी मैंने आपसे आके मिलके कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, जो उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। जैसे साकिब निसार की बात कर रहे हैं जी, जैसे साकिब निसार की बात कर रहे हैं सो चीफ जस्टिस जी, मैं साकिब निसार साहब से मैंने 3 दफ़ा टाइम लिया कि सर मैंने आपसे आके कोई बात करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। अच्छा, अब जाहिर है कि मेरे पास दो ही तरीके थे कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूं, या दूसरा तरीका ये था कि मैं जो अपने मेरी मदर बार है रावलपिंडी बार एसोसिएशन, वहाँ पे वकला से जाके बात करूं, और फिर चूंकि उन्होंने मुझे वैसे भी इनवाइट किया था एक लेक्चर के हवाले से, तो फिर मैं वहाँ पे जाके जो बात की वो मेरे लिए आप ये समझ लें कि उस तनाजर में उस माहौल में जो है वो एक आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि उस वक्त एक तासुर ये था, मैं आपको ये बिल्कुल अल्लाह को गुआ करके मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि उस वक्त तासुर ये था कि मसलन मैं अगर साकिब निसार साहब को कोई बात बताता हूँ तो तासुर ये था कि वो इनको जाके उन फौजियों को बुला के बता देंगे, देखें हमारा ये बंदा ये कर रहा है तो आप इसका कुछ मक्कू ठपें। तो ये उस वक्त इस तरह के हालात थे, इस तरह की फीलिंग्स थी, इस तरह का तासुर था, और जो जाहिर है ग्राउंड रियलिटी था। बहुत शुक्रिया, जैसे शुक्र सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी भी कह रहे हैं कि आज उनके हक में फैसला आया है, मगर वो अभी भी चाहते हैं कि उनके इल्जाम पर तहकीकात की जाए और इस हवाले से फैसला होना चाहिए। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, क्या तहरीक इंसाफ के लिए एक सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें उन्हें आला अदालतों से रिलीफ मिलेगा, इस पर बात करेंगे के बाद। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात की समाअत मुख्तलिफ अदालतों में जारी है, इनमें साइफर, इद्दत में निकाह, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस जैसे अहम केसेस भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि इमरान खान को इन केसेस में आला अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा, जबकि आला अदालतों के जजेस भी मुख्तलिफ मुकदमात में अहम रिमार्क दे रहे हैं और अहम सवालात उठा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं, और इस दौरान दोनों जजेस ने अहम सवालात उठाए हैं। इस केस की अगली समाअत अब पीर को होगी, तहम 2 दिन पहले की समाअत में अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकला मुकर्रर किए जाने पर सवालात उठाए थे, और इससे एक दिन पहले ट्रायल में जल्दबाजी पर सख्त रिमार्क्स दिए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि शाम को ट्रायल करने की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे, क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था, इसमें शायद कोई गैरकानूनी चीज़ ना हो, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दी आखिर क्या थी। जबकि 18 मार्च की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए थे कि एक शख्स को सजा दे दी गई, ये मालूम तो हो कि साइफर में कम्युनिकेशन क्या की गई थी, पता तो चले कि दस्तावेज में लिखा क्या था जिसे ट्विस्ट किया गया, अगर इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया तो ये तो पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन थी क्या,
पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या थी और इसे कैसे ट्विस्ट किया गया। दूसरी तरफ दो दिन पहले 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समात हुई थी, जिसमें जजेस ने 9 मई के 5 मुलजिमान को जमानत देते हुए अहम रिमार्क्स भी दिए थे। 3 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस जमाल बंदू खेल ने FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाने पर सवाल उठाया था कि आपको पता है कि इंसदादी दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं, अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें। क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है? हुकूमत या रियासत माँ बाप की तरह होती है, सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है, असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं हैं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। गिरफ्तारी से पहले मुलजिमान के नाम कैसे मालूम थे? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या अदालतों का माहौल बदल रहा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर असाद मलिक साहब हमारे साथ। मुझे मलिक साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है बड़े अहम रिमार्क्स जो बहुत तेज़ी से इमरान खान साहब की ट्रायल हुए, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस बड़े अहम रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहम रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी हमने आपने सुने, हमने आवाम के सामने रखे हैं। क्या उम्मीद गलत नहीं है तहरीक इंसाफ की कि एक बड़ा रिलीफ उन्हें अदालतों से मिल सकता है? इस वक्त माहौल ये नज़र आ रहा है आपको? जी शाहज़ेब, देखने में तो आ रहा है कि तब्दीली अदालतों में जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और जिस तरह की जो है वो हम देख रहे हैं कि सवालात उठ रहे हैं, और 9 मई में मुलविस मुल्ज़िमान को सुप्रीम कोर्ट में से ज़मानत मिल गई है, तो ये वाज़े है कि तब्दीली आई है। और तब्दीली की मेन वजह 8 फरवरी का इलेक्शन है, और जो हुकूमत बनी है सबको पता है कि अब हुकूमत जो है वो एक तो बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, और अदलिया का जो हम देख रहे हैं कि 5-6 महीनों में एक परसेप्शन बन रही थी कि अदलिया इररेलेवेंट हो रही है, और बहुत से मामला सिविल लिबर्टीज़ के उनमें खामोशी इख्तियार की हुई है, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा ने। तो ये अब जो हम देख रहे हैं कि 1 हफ़्ते से वहाँ तब्दीली बड़ी वाज़े नज़र आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी जो है वो एक बड़ी रिजेंटमेंट थी, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सोच डिफरेंट थी जो अदर सारे जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ज़रा डिफरेंट सोच के हामिल जजेस हैं। वहाँ भी डिबेट इंटरनल भी इतलात हैं कि हुई है, अब केसेस भी वहाँ दूसरे जजेस को तकसीम हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, एक जज ने बड़े सवालात उठाए हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी परसेप्शन क्या हो रही है, ख्वातीन को बेल क्यों नहीं मिल रही, इस किस्म के उस पर रिएक्शन भी आया दूसरे सीनियर जजेस की तरफ से। तो ये इंटरनल डिबेट हो रही है। इसी तरह असतूर के मामले में जो JIT सहाफ़ियों के मामले में बनी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने इंटरनली सवालात उठाए हैं। तो ये बात है कि इंटरनली जो है वो जजेस अब ये बातचीत करना शुरू हो गए हैं कि जी हमारी जो स्पेस है वो ख़त्म हो रही है, हमें इररेलेवेंट हो रहे हैं, हमें अपनी स्पेस लेनी होगी। लेकिन जो एक साख्त है अल्दिया में, वहाँ चीफ जस्टिस बड़ा मैटर करते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा हों या जस्टिस जो है वो आमिर फारूक हों, क्योंकि ये दोनों जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं पोलिटिकल केसेस में। तो अब देखना है कि क्या ये भी इनमें भी जो है वो तब्दीली आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब बड़े अहम केसेस आने वाले हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला, वो अभी केस पेंडिंग है। इसके अलावा रिगिंग के मामले में PTI ने पिटीशन दायर की है, रिजर्व सीट पे भी इतलात ये हैं कि PTI जो है वो पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी हो रही है, बहुत से सियासी वकला से मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि अब स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से भी उस तरह का जो है वो अदालतों पर नहीं है कि वो कि जी वो अब वो इस जो है वो तेज़ी से जिस तरीके से वो अपने केसेस को परस्यू करें, वहाँ भी जो है वो अब इतलात ये हैं कि वो इस तरह जो है वो दिलजमी से नहीं चीज़ें कर रहे हैं। और ये 9 मई की जो जमानत हुई है इसमें ये भी लग रहा है कि अब स्टेट अथॉरिटीज़ भी जो है वो केसेस को उस तरह परस्यू नहीं कर रहे, तो ये बात भी हो रही है। लेकिन अदलिया ने जो कुछ किया है 3-4 महीने में वो बहुत कुछ हो चुका है, चाहे वो 13 जनवरी का फैसला है या उसके बाद जब दिल जमी से कर रहे थे तो ज़ाहिर बहुत बेढंगे तरीके से कर रहे थे कि एक ही हफ्ते में 3-3 केसेस के फैसले आ रहे थे और फिर ट्रायल पर सवाल उठ रहा था। एक और जो उम्मीद है तहरीक इंसाफ की वो सुप्रीम कोर्ट से है, मगर उसमें गैर मुतासिब जजेस का इन्होंने कहा है कि कमीशन बनाया जाए रिगिंग के हवाले से, और ये क्या इस पर कोई पेशरफ हो सकती है क्या?
देखिए शाहजेब, ये अब कमेटी ने फैसला करना है कि इस केस की समाअत कौन सा बेंच करेगा, कौन से जजेस होंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस इस बात पे भी मुतफिक हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो प्रॉपर फोरम है, आर्टिकल 225 के तहत ट्रिब्यूनल में मामला जाए जाएँ। लेकिन पीटीआई का कहना है कि ये सिस्टमेटिक धांधली हुई है। इसमें एक नज़ीर है कि 2013 की मामले में जो है एक इंक्वायरी कमीशन बना था, लेकिन हुकूमत ने वो एक जो है वो उस पर आर्डिनेंस बनाया था, आर्डिनेंस पे फिर रिक्वेस्ट गई थी चीफ जस्टिस को, और उस वक्त के चीफ जस्टिस नासुल मुल्क ने कमीशन बनाया था और वो खुद सरबराह थे। लेकिन अब जो है वो 1843 की पटिशन में मेरा नहीं ख्याल कि इस पर हुकूमत जो है वो हुकूमत से ज़्यादा जो अदलिया है वो इस पर जुडिशल कमीशन पर मान जाए, क्योंकि अगर ये जुडिशल कमीशन की तरफ जाया जाता है तो फिर तो चीज़ें बहुत जो है वो और तरफ चली जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस हद तक भी चीज़ें चली गई हैं अदलिया में कि वो जो है वो कि अब कमीशन बना दें। पीटीआई को उम्मीद बड़ी है, हामिद खान वकील हैं उनके, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन मैटर कुछ आए हैं तो वहाँ भी यही कहा गया कि ट्रिब्यूनल में जाएं, ट्रिब्यूनल है प्रॉपर फोरम। तो अब यही असल टेस्ट है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे, प्रोग्राम में शामिल करते स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत IMF से आखिरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है, और साथ ही IMF ने अगले मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस हवाले से IMF की शराइत सामने आ रही हैं। IMF का मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदनी में इजाफा करे, टैक्स नेट को बढ़ाए और अखराजात में कमी लाए। इस हवाले से अब IMF की मजीद शराइत सामने आ गई हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेताबेदर की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के साथ साथ 18% GST भी लगाया जाए। इस हवाले से IMF ने अपनी रिपोर्ट में खित्ते के दीगर ममालिक से पाकिस्तान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मवाजना किया है और कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मखम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शराइत के मुताबिक मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला किया है और टैक्स रेट बढ़ाने के लिए नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी पर काम जारी है और मुतलिका डेटा को इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ FBR के पास होगा। ज़राए के मुताबिक नेशनल डेटा वेयर हाउस का मकसद टैक्स ना देने वालों की मालूम जमा करना है। इस हवाले से नादरा और कमर्शल बैंकों समेत मुख्तलिफ इदारों से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। आज प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।